नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े भारत में मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर फिर से 4 लाख के पार पहुंच गई है। पूरे देश में अनलॉक हो रहा है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है, जो तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इस बीच जर्मनी की एक रिसर्च का दावा सुकून देने वाला है कि कैश से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम है। आप सभी को याद होगा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में भी यह सवाल उठे थे। फिर से यह सवाल उठने पर जर्मनी की इस रिसर्च ने राहत पहुंचाई है। जानिए क्या है जर्मनी की यह स्टडी और तीसरी लहर आने को लेकर विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के विशेषज्ञों ने रोहर यूनिवर्सिटेट बोकम के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी के साथ मिलकर रिसर्च की। उद्देश्य यह जानना था कि क्या कैश COVID-19 इन्फेक्शन फैलाने का कारण हो सकता है। इस स्टडी में प्रोफेसर आई के स्टेनमान और डॉक्टर डेनियल टोड के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने एक मॉडल बनाया। इससे यह टेस्ट किया जा सकता है कि रियल लाइफ परिस्थितियों में कैश से स्किन पर कितने इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। जर्नल आई साइंस में प्रकाशित इस स्टडी में रिसर्चर्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि यूरो के सिक्कों और नोट्स पर कितने समय तक वायरस जीवित रहता है। इसके लिए सिक्कों और नोट्स को वायरस सॉल्यूशंस के साथ रखा गया और कुछ दिनों तक उनकी निगरानी की गई। स्टडी में यह पाया गया कि स्टेनलेस स्टील की सरफेस पर यानी सिक्कों पर और नोट्स पर वायरस अलग अलग समय तक जीवित रहता है। स्टील की सरफेस पर 7 दिन बाद भी इन्फेक्शियस वायरस जीवित मिला, पर 10 यूरो की नोट पर 3 दिन बाद वायरस पूरी तरह गायब हो गया। 10 सेंट के सिक्के पर 6 दिन, 1 यूरो के सिक्के पर 2 दिन और 5 सेंट के सिक्के पर 1 घंटे बाद कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इससे हम पर क्या असर हो सकता है। तो किसी सरफेस से हमारी उंगलियों तक यह इन्फेक्शियस वायरस कैसे ट्रांसफर होता है, ये जानने के लिए रिसर्चर्स ने नई तकनीक विकसित की। इसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन्फेक्टेड बैंक नोट, सिक्के और क्रेडिट कार्ड जैसे PVC प्लेट्स के जरिए यह देखा गया कि कोरोना वायरस किस तरह हाथों तक पहुंचता है। तब इन गीली और पूरी तरह से सूख चुकी सरफेस को छूने को कहा गया या किसी आर्टिफिशियल स्किन से उन्हें टच किया गया। इससे देखा गया कि सूखी सरफेस से ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। रियल लाइफ परिस्थितियों में भी ऐसा ही होता है कि सिक्के या नोट्स गीले नहीं होते। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि कैश से कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है फैलने का खतरा काफी कम है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या यह दावा वेरिएंट को लेकर भी किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। तो इसका जवाब है हाँ। स्टडी कहती है कि यह रिसर्च उन स्टडी से मेल खाती है जिसमें ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन की वजह एरोसोल या ड्रॉपलेट्स बताई गई हैं। सरफेस से इन्फेक्शन होने की आशंका बिल्कुल ही कम है। यह स्टडी कोरोना के अल्फा वेरिएंट के साथ की गई है। पिछले साल अक्टूबर 2020 में एक रिसर्च सामने आई थी। उसमें कहा गया था कि करेंसी नोट्स, ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 28 दिन तक वायरस रहता है। यह स्टडी ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी CSIRO ने की थी। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस को अलग अलग सतहों पर 1 महीने तक छोड़ दिया था। सूर्य के अल्ट्रावायलेट लाइट इन्फेक्ट से बचने के लिए डार्क रूम में रखा गया। उन्होंने यह भी पाया कि कॉटन जैसी पोरस सरफेस के बजाय ठोस सरफेस पर कोरोना अधिक समय तक जीवित रहता है। जर्मनी के इस रिसर्च में यह पाया गया कि कैश से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम है। एक और चेतावनी हमारे और आपके लिए। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इसी महीने कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में तीसरी लहर पीक पर कब आएगी इसका भी खुलासा किया गया है। दरअसल ये दावा हैदराबाद और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में मुथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में किए गए शोध में किया गया है। IIT प्रोफेसर की ओर से किए गए इस शोध की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में देश में तीसरी लहर असर दिखाना शुरू कर देगी। इस दौरान रोजाना कोविड के 1 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। बहुत खराब स्थिति में यह संख्या 1.5 लाख तक हर दिन पहुंच सकती है। तो चेतावनी जारी कर दी गई है, सतर्क कर दिया गया है। अब सावधानी
और सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि संक्रमण की तीसरी लहर हम पर हावी ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।